हाउडी मोदी कार्यक्रम में पीएम नरेंद्र मोदी और यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के एक साथ शिरकत करने के बाद से सब कुछ ठीक था। पाकिस्तान के साथ बैठक हुई, उसमें भी ट्रंप पीएम मोदी की वाहवाही करते नजर आए। लेकिन न्यूयॉर्क में ट्रंप ने पीएम के लिए ऐसी बात कह दी जिससे कांग्रेसी बेहद बुरा मान गए हैं। द्विपक्षीय वार्ता के बाद ट्रंप ने कहा कि अगर मैं पहले के भारत को याद करूं तो वहां पर लोग अक्सर लड़ते रहते थे, लेकिन नरेंद्र मोदी ने सभी को एक साथ लाने का काम किया है। उन्होंने सभी को एक पिता की तरह साथ लाने का काम किया है। शायद वो फादर ऑफ इंडिया है। हम उन्हें फादर ऑफ इंडिया ही बुलाएंगे। लोगों को एक साथ लाना काफी बढ़िया काम है और नरेंद्र मोदी ने इस क्षेत्र में शानदार काम किया है। ये बात कहते समय ट्रंप शायद ये भूल गए कि फादर ऑफ इंडिया का दर्जा इंडिया पहले ही किसी और को दे चुका है, और वो कोई और नहीं खुद महात्मा गांधी हैं, जो राष्ट्रपिता के नाम से प्रसिद्ध हैं। मोदी को फादर ऑफ इंडिया कहना था और कांग्रेसियों को ये बात बुरी लगनी ही थी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे और कर्नाटक सरकार में मंत्री रहे प्रियांक खड़गे ने ट्विटर पर विरोध जताया और लिखा कि तो क्या अब अमेरिकी तय करेंगे कि राष्ट्रपिता कौन है। अगर देखें तो इन फासीवादी विचारधारा से हमारे लोगों को बौद्धिक रूप से प्रभावित किया जा रहा है और सोशल मीडिया के प्रोपोगेंडे से युवा पीढ़ी को बिगाड़ा जा रहा है। वैसे पीएम मोदी खुद महात्मा गांधी का सम्मान करते हैं। ट्रंप के इस कमेंट पर उनकी टिप्पणी का इंतजार रहेगा। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की ताजा खबरों के लिए लॉग इन, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें www.newslivemp.com www.newslivemp.cz